गाइज वेलकम टू माई अनदर न्यू ब्लॉग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी हम लोग पटना के लिए निकलने वाले हैं, तो रास्ता का आप सबको अभी मिलेगा। फाइनली गाइज अभी अपना पहला पड़ाव पे हम लोग आ चुके हैं और ट्रेन अभी एक घंटा डिले है, तो हम लोग स्टेशन के बाहर देख सकते हैं घूम ही रहे हैं। और फाइनली गाइज समोसा खा लेते हैं दोपहर के टाइम में। डिले है स्टेशन पे, हम लोग सारे भाई एक साथ अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। मौसम भी बहुत सुहाना हुआ है। फाइनली सीट पर आ गया हूँ, देख सकते हैं। पहुंच गया हूं और यहां से 2 घंटा लगेगा पटना जाने में। तो आप सबों का रास्ता का व्यू दिखाऊंगा, पूर्व में एंड तक बने रहे। फाइनली गाइस नाइट हो चुका है और हम लोग हाजीपुर जंक्शन पहुंच चुके हैं और यहां से पटना के लिए हम लोग बाई रोड जाएंगे। और आगे रास्ता तो आप लोग बने रहे, रास्ता का व्यू दिखाऊंगा। यहाँ से बहुत मिला है, फाइनली गाइस देख सकते हैं पटना जंक्शन पहुंच गए हैं और आप सबों को पटना जंक्शन का भी व्यू दिखाते हैं। पटना जंक्शन जस्ट हमारे पीछे है और इधर में हनुमान मंदिर, जहाँ जाएंगे वहाँ भी आप सबों को व्यू दिखाता हूँ। वहाँ का भी हनुमान मंदिर के अंदर हम लोग प्रवेश कर गए हैं और आगे का आप सबों को व्यू दिखाऊंगा। वीडियो पे एंड तक बने रहें। जस्ट गाइस मेरे पीछे देख सकते हैं हनुमान जी का मंदिर है, इसको मैं बैक कैमरा से दिखाता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं गाइस अभी बोलबम जान ही रहे, सावन का महीना है तो सारे बम अभी हनुमान जी का दर्शन कर रहे हैं। यह पटना का मैं ब्लॉगिंग के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एक बार आप तो ट्रेन से बोले जय हनुमान। सूरत देख सकते हैं गाइस अभी रात का 9 बज रहा है, इसलिए ज़्यादा मंदिर में आप पब्लिसिटी नहीं देख पा रहे हैं। और पीछे अभी मेन मंदिर में कुछ लोग हैं गाइस, देख सकते हैं पटना का दर्शन का व्यू रात में कितना सुंदर लग रहा है। डेकोरेशन बहुत ही सुंदर हुआ है, पार्किंग का व्यवस्था भी बहुत सही है। कैसे आप देख सकते हैं पटना के हनुमान मंदिर पर हम लोग हैं। बिल्कुल आपको पीछे से देख सकते हैं जिस तरह से हनुमान जी का पूजा अर्चन चल रहा है। इस समय संध्या का समय है, शाम का समय है और लगभग इस समय हमारे समय 9 बज गए हैं घड़ी में। और हमारे सामने ठीक रेलवे लाइन समय है, देख सकते हैं गाइस जस्ट अपोजिट जंक्शन भी है। गाइस पीछे देख सकते हैं पटना शहर कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही बेहतरीन लग रहा है शहर। विराट रामायण मंदिर जो देख सकते हैं अपने आप में एक ऐतिहासिक है। दान पुण्य भी भक्तों ने यहाँ पर भरपूर किया है और मैं आप सबों को व्यू दिखा रहा हूँ। इस समय हम पटना के ऐतिहासिक मंदिर पर खड़े हैं जहाँ हनुमान जी का पूजा और अर्चन चल रहा है। देख सकते हैं गाइस यहाँ पर लाखों भीड़ है, श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं हनुमान जी की पूजा करने के लिए। और अब गाइस यह देख सकते हैं मंदिर के सबसे ऊपर हम लोग अभी चढ़े हैं और यहाँ से जो व्यू है वो नाइट व्यू देखने लायक है पटना शहर का। दूर पे जो गाड़ियाँ है वो भी छोटी छोटी दिखाई दे रही है।
गाइस यह देख सकते हैं मंदिर के सबसे ऊपर पे हैं हम लोग, नाइट व्यू देखने लायक है। कर बैठ गया हूँ और खाने के लिए ऑर्डर किया हूँ, देखता हूँ कितना मिलना है, बंद कराता है। तो फाइनली गाइस आ गया है, देख सकते हैं रोटी है, सब्जी है, सलाद है और साथ में अचार भी है, और हम लोगों ने अपने तरफ से कोल्ड ड्रिंक भी दिया है, देख सकते हैं आप ग्लास में। रात्रि का 12 बज रहा है और देख सकते हैं चारों ओर से गोल बम जाने वालों का भीड़ लगा हुआ है। अभी पटना जंक्शन पे हम लोग सुबह का मॉर्निंग व्यू दिखा रहे हैं, पर रात का भी आप लोगों का व्यू दिखाया था। उधर साइड में अपोजिट बजरंग मंदिर भी है, वो भी हनुमान जी का मंदिर भी कल हम लोगों गए। और ये हमारे देश का तिरंगा एकदम हवा में फहरा रहा है। आप सभी सब्सक्राइबरों को जय हिंद। और मेरे जस्ट अपोजिट देख सकते हैं, मेरे जस्ट अपोजिट देख सकते हैं अशोक चक्र, और पब्लिक सिटी अभी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सुबह का समय है, कुछ ज़्यादा पब्लिक सिटी उतना नहीं है। देख सकते हैं गाइस राजेंद्र नगर टर्मिनल, हाजीपुर जंक्शन पहुंच गया हूं। गाइस यहां पर ब्लॉग पेंट करते हैं और चैनल बनाए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले और इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए।